पूर्व मंत्री पूर्व सांसद जैन, इस क्षेत्र के लाडले विधायक श्री केदाराम जी चौधरी, पूर्व विधायक भैरव सिंह जी, विधायक कृष्ण सिंह जी, जिला अध्यक्ष महेंद्र जी बोरा, श्री जिला अध्यक्ष बसंत जी और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विरेन जी, हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन शाह जी, और इतनी भारी संख्या में यहाँ बैठी हुई। सबसे पहले मेरी सब माता बहन, आपको कैसे मालूम कि मैं आपको कह रहा हूँ? सबसे पहले आपको धारण लगी कैसे मालूम कर है अधिकार, इसलिए सबसे पहले मैं मेरी माता बहनों को धन्यवाद देकर प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ असीम कृपा करके और इतनी सारी संख्या में यहाँ आके एक तो हमारे कार्यक्रम की शोभा को तो बढ़ाया बढ़ाया, रंगीला भी बनाया और साथ में मेरे हौसले अफजाई किए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहूंगी माता बहन। इनके साथ साथ आपके जो मेरे सब भाई और बुजुर्गण भी आए हैं कोई कम नहीं है, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और इतनी संख्या में यहाँ आके आप लोगों ने भी जो हमारा प्यार और हौसला अफजाई की उसके लिए मैं आपकी भी बहुत बहुत आभारी। मुझे लग रहा था थोड़ी देर के लिए कि शायद आज की मीटिंग में मैं आ पाऊंगी कि नहीं, आज कल रात को जितने जोर से बुखार हुआ, बरसात भी आ गई थी, उसमें भीग भी गए थे, उसका मजा भी अलग था, परंतु बुखार भी सुबह उठते उठते टूटा और मैंने कहा आज आप लोग सबके दर्शन करना भी जरूरी था और इसीलिए यहाँ आप लोगों के बीच में आके सबसे पहले आपके दर्शन करके यहाँ से मैं निकलूंगी और सबको मैं देख के खुश हूँ कि आप लोगों ने कहीं कमी नहीं छोड़ी और जोरदार तरीके से यहाँ आके हमारा साथ दिया। मुझे मालूम है कि आप लोगों की कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां है और ऐसी ज्वलंत समस्या है जिन ज्वलंत समस्याओं के ऊपर आप हमारा ध्यान आकर्षित बार बार करते हो। आज रस्ते पर भी यही हुआ, कल भी यही हुआ और इसीलिए मैं शुरुआत में ही सबसे पहले आपके पानी की बात को अपना उठाना चाहूंगा। सबसे पहले आपके जो लूनी बेसन की परियोजना है उसके लिए हमारी सरकार ने 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए पैसे स्वीकृत किए थे और मारवाड़ जंक्शन के कई गांव को उसका लाभ मिलना था। इस सरकार ने अगर इस काम को चला दिया होता, रोका नहीं होता, तो मैं समझती हूँ कि आज तक जो 4.5 साल निकल गए उसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गांव का उसका इस क्षेत्र के अंदर भी फायदा हो जाता। पेयजल के लिए हमने इस विधानसभा के करीबन 116 गांव ऐसे थे जिनको जवाई बांध से जोड़ने की स्वीकृति की, हमने वहां कोशिश की थी कि जवाई बांध के अंदर जो पानी एकत्रित नहीं हो रहा था उसको एकत्रित करने का, जो 2-3 बांधों को एक साथ जोड़ने का काम था उसके लिए पैसे देके जोड़ने का काम करके, जवाई बांध को भरने का काम करके, और 2010 तक ये सोचा था कि आपके 116 गांव को भी पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से पानी देने का हम लोग काम करेंगे, परंतु ये काम आगे नहीं कर सका क्योंकि कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया और वही जाके रोक दिया। और मुझे समझ में नहीं आता है कि जब पैसा था, सब कुछ था, तो इसको रोकने का मतलब क्या? इतने लोगों के पास हम लोग सब कुछ पहुंचा सकते थे परंतु वो भी काम नहीं किया। वंदा पेयजल योजना पर हमने एक करीबन 150 करोड़ रुपया स्वीकृत की, वो भी काम अधूरा पड़ा। हर एक में हमने पैसा, ये जो भी आपको बता रहे हैं, हर एक में हमने पैसा स्वीकृत किया था और माता बहने सबसे ज्यादा मुसीबत तो आप लोगों की होती है, मैं जानती हूँ, और इसीलिए सब चीजों के ऊपर पैसा दे के हमने स्वीकृति दी थी और आज तक नहीं हुआ, मैं सोचती हूँ कि ये सबसे मुसीबत की चीज है। आप देख लीजिए कि सिरियानी के लिए भी 150 करोड़ की योजना हमने बनाई थी, मारवाड़ जंक्शन को पेयजल मिल रहा है, अगर ये पूरा हो जाता तो मारवाड़ जंक्शन को ये प्रॉब्लम रहती नहीं, परंतु ये भी पूरा नहीं है और इसलिए आप लोगों को ये फ्लोराइड युक्त पानी उसके अंदर मिक्स होकर आपके पास आ रहा है, इसको भी ठीक करने की जरूरत है और वो भी 2 दिन में एक बार आपको सप्लाई मिल रहा है, मैं समझती हूँ कि इसको भी ठीक करने की बहुत जोरदार जरूरत है। ये जो आपकी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी
उसने 33 लाख रुपए खर्च करके सरपटिया बांध की मिट्टी का परीक्षण करवाया और फिर ये कहा कि ये बांध नहीं बन सकता है क्योंकि हमने मेरी मिट्टी का परीक्षण कर लिया। परंतु मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने अपनी सरकार ने इस सिंचाई के लिए सरपटिया बांध पर 7 करोड़ रुपए लगा के उसको 20 फुट चौड़ा दीवार बना के और आपने देखा कि इस क्षेत्र को लाभ मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला, इस क्षेत्र को लाभ मिला। तो खाली इच्छा शक्ति की जरूरत थी, इस पे थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत थी और मैं समझती थी इसमें पहला पानी आपके बीच में आ जाता। अब बताओ भाइयों, आप सब यहाँ बैठे हो, किसान भाई बैठे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ सब किसान भाइयों से, आपको आपकी बिजली जो 8 घंटे मिलने चाहिए वो मिल रही है क्या? क्यों, किस लिए मिल रही है? आपकी तो अलग है, माता बहनों की तो अलग बिजली है, मैं तो किसानों की बिजली की पूछ रही हूँ कि आपको 3 फेज बिजली मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। कोई कह रहा है 3.5 घंटे, कोई कह रहा है 3 घंटे बिजली मिलती है। कितने घंटे? 2 घंटा मुश्किल से मिलती है, मुश्किल से मिलती है 3 घंटे और वो भी ट्रिपिंग के साथ। तो इसलिए किसान अपने खेत के अंदर जो काम सोच के करने जाता है वो पूरा कर नहीं सकता। और यहाँ माता बहनों के लिए मैंने अलग से बिजली दी, एक घरेलू बिजली की लाइन आपके लिए जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुई। मैं महिलाओं के लिए निकाल के दी क्योंकि मैंने कहा कि महिला घर के अंदर काम करती है, 50 डिग्री गर्मी होती है और बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, कहीं अपने एक लट्टू नहीं जलेगा तो ये बच्चों का क्या होगा, किसी के घर में फ्रिज है, किसी के घर में कूलर है वो चला सकता है। और ये लोग सब जाते हैं किसान के अंदर काम, खेत के अंदर काम करते हैं, दुकान के अंदर काम करते हैं, जब घर वापिस भोजन करने आते हैं तो घर में ठंडक, ये सोच कर मैं आपको दिया। और मैं जाते जाते 2008 के अंदर आप लोगों को करीबन 18 से 20 घंटे बिजली देखी गई। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि 6 महीने अपना रहता सरकार तो आपको 10-24 घंटे बिजली मिल जाती, वह तो नहीं हुई। आने वाली सरकार में आप लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे, ये मेरी पहली आप लोगों से घोषणा। सबसे पहले हमारे महिलाओं के घरों के अंदर वो बिजली 20 घंटे या 24 घंटे आएगी ताकि आप लोग सबका उसके अंदर लाभ होगा, ये आपको मैं यहाँ कहके जा रही हूँ। हमने ये देखा कि मारवाड़ जंक्शन और रानी के सामुदायिक अस्पताल के अंदर 2-2 डॉक्टर के ऊपर हम भरोसे में हैं। जोजावर के अस्पताल में महिला विशेषज्ञ नहीं है और माता बहने आप मानोगी नहीं पर मैं ये 3.5-4 महीने से घूम रही हूँ और 4 महीने से मैंने जगह जगह पे यही विशेष पूछा कि महिला विशेषज्ञ है कि नहीं, और जहां भी मैं गई हूँ वहां मुझे कहीं भी एक महिला विशेषज्ञ नहीं मिली है। और यहाँ मैं आती हूँ तो मैंने मेरी जांच पता की तो जोजावर के अस्पताल में भी महिला विशेषज्ञ नहीं है। मुफ्त इलाज और मुफ्त जांच होता है क्या? जब डॉक्टर नहीं है, जब आपकी दवाई सही तरीके से नहीं मिल रही है तो कहाँ मुफ्त जांच और कहाँ मुफ्त इलाज? ये तो कहने की बातें हैं, रोज आपको घोषणा में सुनने को मिलता है, परंतु अगर क्षेत्र के अंदर चले जाओ तो वो घोषणा सरासर झूठ साबित होती है, सरासर झूठ। और मैं जा गई हूँ, मैंने वही देखा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कहीं भी महिला डॉक्टर नहीं, ये देखने को मुझे मिला। पूरे क्षेत्र के अंदर मैं ये पता करना चाहूंगी कि मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने के लिए 2.5 करोड़ रुपया खर्च करके खाली घाटी सड़क का सुदृढ़ीकरण करवाया था, लेकिन ये सरकार तो उसकी मरम्मत भी नहीं कर पाई। आज आपकी क्या स्थिति है रोड की, आप बताओ। गांव की सड़क पे जहां मैं जाती हूँ तो सबसे पहले गांव वाले बोलते हैं कि हमारी सड़क की मरम्मत करवाइए, इसकी हालत ऐसी है, ज्यादा गड्ढा और कम सड़क, ये स्थिति है। पूर्व आपके पूरे क्षेत्र के अंदर स्कूल की क्या स्थिति है? आपके टीचर है क्या? आपके व्याख्याता है क्या? कई सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 2-2 या 3-3 व्याख्याताओं के ऊपर आप निर्भर हो और बच्चे पढ़ के आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? और कई स्कूल ऐसे हैं जिनके ऊपर ताला लगने की नौबत भी आ गई, ये मैंने देखा है। मगरा विकास बोर्ड का हम लोगों ने पहली बार गठन किया था और इसीलिए गठन किया था कि हम चाहते थे कि मगरा के अंदर जो जो इलाके हैं जहां मूलभूत सुविधा नहीं है वो मूलभूत सुविधाओं को पूरा लाने के, उनके तरफ लाने के लिए अगर हमने मगरा विकास बोर्ड दिया तो उसके साथ साथ पैसे भी होंगे और मगरा विकास बोर्ड का जो चेयरमैन है वो उसके काम भी कर सके। इतने दिन निकल गए इस मगरा विकास बोर्ड के लिए जो हमने मदन सिंह जी रावत को बनाया था, इसका अध्यक्ष ही नहीं। अब चुनाव आने का टाइम हो गया तो एकदम से आप याद आ गई है और इसीलिए इस वक्त में अब जाके अध्यक्ष को नियुक्त किया है।
मैं तो सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये सब चीजों के ऊपर अपन लोग ध्यान देंगे और आगे चल के इस मगरा विकास बोर्ड को दांत देके मजबूत करके मगरा विकास के लिए उसमें लगा के उसके पैसे और उसका इंतजाम करने का हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। अभी अभी मैं कुछ देख रही थी, कल अखबार में हम लोगों सबने पढ़ा होगा 33 रुपए सरकार कहती है कि अगर हमने गरीब तो गरीब अब नहीं रहता, अगर उसके पास 33 रुपया शहर के अंदर और 27 रुपए गांव के अंदर अगर है तो वो अपना जीवन आराम से काट सकता है और खाना भोजन झगड़ा अपना निकाल सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ा मजाक मैंने कभी देखा नहीं। मैं अभी गांव के अंदर से कल निकल रही थी तो मैं दोपहर को जिस जगह पे भोजन के लिए रुकी थी वहाँ एक गरीब आदमी वहां खड़ा था, उसके हाथ में उसका टिफिन था और वो टिफिन लेके वहीं खड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि पूछ तो लें कि ये टिफिन के अंदर क्या है। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा भाई बता दो कि इस टिफिन के अंदर आपके क्या है, क्या खाते हो दोपहर को। उसने कहा मैं रोटी और रोटी के साथ एक मिर्ची, क्योंकि मैं लेबर करता हूँ तो मेरे पास रोटी और एक मिर्ची। तो मैंने कहा क्यों, प्याज प्याज नहीं मिलता। मैंने कहा प्याज नहीं, आप प्याज की दाम देख लीजिए, हम कहाँ से प्याज ला सकते हैं। मैंने कहा धनिया की चटनी है कुछ पीस के आपने कुछ रख दिया हो। उन्होंने कहा हम तो गरीब आदमी है ना, तो हमको अचार कोई डालेगा। अब धनिया के आप देख लीजिए कितना महंगा दाम हो गया है, धनिया की चटनी हम नहीं खा सकते। सब्जी, उन्होंने कहा सब्जी तो भूल जाओ, कभी कभी अगर बहुत माने हमारा अच्छा उसपे सौभाग्य है तो मुझे थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है, तो सब्जी मेरी भाजी के पिस्से रोटी के साथ में खा लेता हूँ। ये तो मेरी हालत है। और आप मुझे ये मजाक करके कह रहे हो कि गरीब तो गरीब नहीं है, अगर उसके पास शहर के अंदर 33 रुपए है और किसी और के पास अगर गांव में है तो उसके पास 22 रुपए है। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 27 रुपए का हिसाब है तो 810 रुपए के ऊपर आप लोगों को गुजारा करना पड़ेगा गाँव के अंदर। एक गैस अगर मिलता है तो गैस कितने का है आजकल भाइयों, 700 रुपए का तो भाव होना चाहिए, पर तो ब्लैक में मिलता है तो इसलिए 1200, तो आपका पूरा 700 रुपए तो उसी में चला जाएगा, 800 रुपए तो गैस ही गैस में चला जाएगा। परंतु समझो आपने गैस भी नहीं किया और आप लकड़ी ला के काम कर रहे हो, तो आप लकड़ी लाओगे उसमें अगर चीनी रख ली तो आजकल चीनी का भाव क्या है, कितना? अच्छा ये लो, आपने अगर चीनी ले ली उसमें, अगर आपने उसमें सब्जी जोड़ दी, अगर आपने उसमें दाल जोड़ दिया, अगर आपने उसमें गेहूं जोड़ दिया, तो कोई खा सकता है 27 रुपए में? मजाक बना के रखा हुआ है कि 27 रुपए और 800 रुपए के अंदर आराम से गरीब अपना माने काम निकाल सकता है। मैं तो समझती हूँ कि ऐसा किसी के साथ मजाक करना नहीं चाहिए और इसीलिए मैंने माता और बहनों के लिए वो भामाशाह योजना चालू की थी, क्योंकि मैंने कहा कि घर की बरकत महिला होती है। जब महिला अपने पैर पे खड़ी हो जाती है और महिला को 1500 रुपए दे के अपना अकाउंट शुरू कराने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे और पैसा अगर महिलाओं के द्वारा बैंक में चला जाएगा और उसको अगर और प्रोत्साहन देने के लिए बीमा के रूप में 30,000 रुपए और उसमें अंदर जोड़ देंगे तो उसका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, उसके अंदर पैसा भी चला जाएगा और बीपीएल के परिवारों को उसके अंदर लाने का काम हो जाएगा। एससी और एससी भी उसके अंदर आ जाएंगे और लघु और सीमांत कृषक भी उसके अंदर आ जाएंगे। ये सब सोच के हमने वो भामाशाह स्कीम आपके लिए बनाई, 50 लाख लोग उसके अंदर आ जाते। और मैं ये मानती हूँ कि आज ये आप जल्दीबाजी के अंदर पेंशन दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी माता बहने, क्योंकि उस दिन से लेके आज तक आपको पेंशन भी मिल जाता, आपको स्वावलंबी भी हम बना देते, आपकी रक्षा भी हम करा देते, आप सुरक्षित भी खड़ी हो जाती, परिवार भी सुरक्षित हो जाता और इस तरीके से एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ा काम आगे के लिए हो जाता। परंतु उसको रोक दिया आपने 2007 और 2008 के अंदर और आज से लेके 2007 से लेके आज तक कोई काम नहीं हुआ और एकदम से आपने 4 महीने चुनाव के टाइम में सब में धड़ाधड़ अरे पेंशन भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, बहुत जल्दीबाजी आप लोग कर रहे हो, परंतु आपने किसी के लिए काम नहीं किया। महिलाओं की स्थिति आज इतनी खराब हो गई है, बिल्कुल ही असुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, करती भी नहीं, सड़क के ऊपर चढ़ नहीं सकती क्योंकि आप असुरक्षित है, कहीं जाएगी कहीं कुछ मुसीबत उसके साथ हो गया, किसी ने उसके साथ अत्याचार कर दिया तो महिला का क्या होगा। जब बच्ची जाती है स्कूल के अंदर तो क्या लगता है दिल के अंदर, ये जब तक स्कूल से वापस नहीं आती, कॉलेज से वापस नहीं आती, कहीं उसके साथ कुछ हो न जाए, लगता है कि नहीं लगता है माता बहन, ये लगता है। और मैं कह रही हूँ कि जब जयपुर शहर के अंदर बच्चियों के साथ अत्याचार हो सकता है तो ये समझ के चलो कि राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है। मैंने पता किया तो किसी ने मेरे को ये बताया
कि 31% महिलाओं के खिलाफ अत्याचार इन 5 सालों के अंदर बढ़ गया है, 2008 से लेकर अब 31%। मैंने आप ये समझिए, इससे ज्यादा और क्या क्या कह सकता है? क्या अगर वो प्रदेश अपनी महिलाओं को नहीं संभाल सकता, अगर वो प्रदेश अपनी बहू और बेटियों की इज्जत को नहीं संभाल सकता, तो उस प्रदेश के मुखिया की लानत हो, ऐसे में तो उसको कुर्सी पे बैठने का हक ही नहीं है, उसको बैठना ही नहीं चाहिए। क्षेत्र के अंदर न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न डॉक्टर है, न टीचर है, अरे क्या है? मैं जब रोजगार की बात करती हूँ, सब मेरे को बच्चे कहते हैं, कहीं मेरे रोजगार नहीं है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। अरे मैं खुशी हूँ कि जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमको 10 लाख लोगों को रोजगार देने का मिला, हम लोगों ने गैर सरकारी और सरकारी उनको 10 लाख रोजगार दिया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज 5 साल गुजर गए, कितने बच्चों को नौकरियां दी? यहाँ से लोग गुजरात चले जाते हैं पलायन करके कि हमको वहाँ व्यवसाय मिलेगा, नौकरी मिलेगी, वो गुजरात जाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि हमारा प्रदेश उनके लिए सब काम नहीं दे सकता। मेरे बच्चों के लिए मैंने ये कहा है कि आज एक टेट का जो प्रबंधन है, आज एक फंसा रखा है टेट का परीक्षा, ये टेट की परीक्षा का प्रबंधन हम लोग करेंगे और हमारे बच्चों को आने वाले समय के अंदर वापस RPSC में डाल के फिर से वहां से प्रशिक्षण करेंगे, ताकि उन लोगों को अच्छी तरह से नौकरी मिलने का मौका मिलेगा। ये मैं सब लोगों को बच्चों को कह दिया। अगर BPL के परिवारों की अपन लोगों ने बात की है, सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या स्थिति है आपके गाँव में? जिन लोगों के परिवारों को BPL की जरूरत नहीं है वो तो BPL, और जिन बेचारे गरीबों को BPL बनने की जरूरत है उनको BPL से बाहर रखने का काम इस सरकार ने किया है। ये कहां तक ठीक है? ये क्या मतलब है? किसानों की हालत देख लो, किसान जाता है खेत के अंदर ना उसको सही टाइम पे बीज, ना सही टाइम पे उसको खाद, ना सही टाइम पे उसको बिजली, ना सही टाइम पे उसको पानी, और फिर जब वो बाजार में ले जाता है अपनी फसल, उसके फसल के भी अच्छे दाम उसको नहीं मिलते हैं। बिजली नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? मैं अभी देख रही थी कि बिजली की हालत यहाँ क्या है। इस वित्तीय वर्ष में 75,000 कृषि कनेक्शन मिलने थे आप लोगों को, 75,000, और मिले सिर्फ 13,000। इस वित्तीय वर्ष में 50 गांव को सरकार को विद्युतीकृत करना था, किया सिर्फ 8 गांव को। इस वित्तीय वर्ष में 20,000 BPL परिवारों को देना था कनेक्शन, दिए सिर्फ 6,000 को। और जगह जगह पे BPL परिवार के लोग मेरे से मिल रहे, कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए, हमने अपने डिमांड नोटिस करवा दिए, सब कुछ करवा दिया, पर तो हमारे पास अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, तो हम अपना काम करें तो कैसे करें? किसान मुझे यही कह रहा है, किसानों से यही पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, आपके यहाँ पाला पड़ा था, आपको मुआवजा मिला क्या? है कोई किसान जिसको मुआवजा मिला? है कोई किसान जिसको 1,50,000 का जो ऋण बिना ब्याज का मिलना था उसको किसी को मिला है? कोई या है आप लोगों में से कोई जिनको 55,000 अपने कोठरी और कमरा बनाने के लिए मिला, जो पूरा का पूरा मिला बिना रिश्वत दिए? है कोई? किसी को नहीं मिला, क्योंकि आपको पहला किस्त मिल जाता है, पहले किस्त के बाद में वो रिश्वतखोरी चलती है, और रिश्वतखोरी नहीं होती है तो फिर किसी भी इंतजाम से आप अपना कोठरी बना नहीं सकते, ना कमरा बना सकते। यहाँ कोई है बेटा जिसको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला है आज तक? है कोई? किसी को मिला यहाँ माता लेने आप लोग? किसी को नहीं? अभी तो मैं ये पता कर रही थी, कल 2-3 दिन से मंत्री घूम रहे हैं, आटा चेक कर रहे हैं कि आटा है कि नहीं पुराने दुकान में कि नहीं। तो कल के दिन था शायद प्रसादी लाल जी मीना गए, 3 दुकान के अंदर देखा तो आटा नहीं था, और आज की जो है उसमें ये कह रहे हैं कि जयपुर के अंदर 100 दुकानों पर दूसरे दिन भी आटे का इंतजार। अरे पूछना चाहती हूँ कि आज जयपुर के अंदर ये स्थिति है तो आप लोगों के यहाँ क्या स्थिति होगी, क्या हो रहा होगा? यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पता करने वाला नहीं है, और मैं इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि मैंने ये सब देखने के बाद झालावाड़ से मेरे पास एक खबर आई। मैंने कहा समय आ गया, अब आपके लोगों का समय आ गया कि आपके बीच में आएंगे, और 4 महीने बचे हैं तो आप लोगों को कहेंगे कि आपको जो चाहिए उसको लेके जाओ। आपको क्या लुगड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर लुगड़ी मिल रही है तो आप लोग नहीं मिल रहे तो पैसे ले जाओ। अब यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जिनको ये मनरेगा के अंदर आपको काम मिल रहा है? कोई?
मनरेगा का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो मनरेगा का काम नहीं चल रहा है, हमारे समय में 26 लाख लोगों को अपन ने मनरेगा में नौकरियां दी थी और 26 लाख लोगों ने हम सब के साथ मिलकर जो परिसंपत्तियां बनाई उससे राजस्थान विकसित हुआ और आगे बढ़ा। आज 1 लाख लोगों को उसमें नौकरी मिल रही है और वो भी पूरी नहीं, और जो महिलाएं काम कर रही है उनको भी पूरा नहीं, उनको सही तरीके से पैसा नहीं मिलता है और उनको उनकी लुगड़ी वुगड़ी कुछ नहीं मिलती है। तो अब टाइम आ गया तो कहने लगे कि लुगड़ी नहीं मिल रही तो पैसे ले जाइए, चावल नहीं मिल रहा तो चावल के पैसे ले जाइए, आपको साइकिल नहीं मिल रही है तो साइकिल के पैसे ले जाइए, और आजकल तो ये कह दिया कि लैपटॉप नहीं तो लैपटॉप के पैसे ले जाइए। अब लैपटॉप के तो बड़ा मजा आया है, आज जो मैंने देखा अखबार में देख रही थी तो लैपटॉप का बहुत मजा आया। एक तो मंत्री जी खुद गए, मंत्री जी गए अलवर में, अलवर में जाके उन्होंने महिलाओं को बच्चियों को लैपटॉप देने का काम किया, तो लैपटॉप और लड़कियों ने उनको घेर के और उनको ये कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो, आपके ना तो बिल है ना कोई आपके पास सबूत है कि आपने लैपटॉप कहाँ से लिया, और हमें ये बताइए कि लैपटॉप जो हमको दे रहे हो हम तो ये कहते हैं कि वो घटिया किस्म का लैपटॉप है, 6,000 रुपए आपको दे रहे हो, 3,000 रुपए से ज्यादा ये लैपटॉप नहीं है, तो पैसे गए तो कहाँ गए, ये बच्चों ने पूछा। और मैं ये कह रही हूँ कि सब पूरी जनता ये जान गई है कि ये कांग्रेस वाले क्या तमाशा कर रहे हैं, किसी छिपा नहीं है। और झालावाड़ मेरे पास फोन आया कि मुरारी लाल जी मीणा आजकल मंत्री है, तो वो गए वहां और झालावाड़ में उन्होंने लैपटॉप बांटने का काम चालू कर दिया। तो जैसे लैपटॉप बांट रहे थे तो उनसे रहा नहीं गया, आखिर में जो काम है वो अंदर से बात निकली आती है, तो रहा नहीं गया। उन्होंने कहा बेटा तुमको तो लैपटॉप दे रहे हैं तो तुम याद रखना जब चुनाव का टाइम आएगा तो अपनी मम्मी और पापा से कह देना कि जरूर वो कांग्रेस को वोट देगा। बताओ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम जनता की भलाई भी नहीं कर रहे हैं, मेरा ये पूछना है कि आपने 4 साल जनता की भलाई क्यों नहीं की? आप जनता की भलाई करने का कुछ नहीं है, आप जो कर रहे हो सरासर वोटों के पीछे कर रहे हो और ये पूरी जनता उस चीज को समझ रही है। या कोई आदमी नहीं है जो नहीं जानता कि आप किस वजह से रोज रोज घोषणाएं कर रहे हो और घोषणाएं कर रहे हो। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोग कितने लोग यहाँ बैठे हो, 2.5 लाख पट्टे कर कहा उन्होंने कि राजस्थान में पहली बार हम लोगों ने 2.5 लाख पट्टे बांटे। अरे पट्टे कहाँ बांटे, मैं अभी आबू रोड से निकल रही थी, पूरा का पूरा कॉलोनी बुलडोज हो रहा था। मैंने पूछा क्या बात हो गई, बोले ये बुलडोज कर रहे हैं, हम लोग 50-50 साल से यहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें तो आज ही निकला है कि 2.5 लाख लोगों को पट्टा दिया है, तुम पट्टेधारियों में से नहीं हो क्या? उन्होंने कहा हमें कोई पट्टा नहीं दे रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पट्टा वो भूमाफिया को दे रहे हैं, गरीबों को बेदखल कर करके अपनी जमीन से बेदखल कर करके और उन लोगों को देने का काम कर रहे हैं जिनसे ये पैसा लेते हैं। और इसी तरीके से भीलवाड़ा से जब मैं निकली थी तो भीलवाड़ा में गांव के लोग आके इकट्ठा हो गए, जैसे मैं बाहर निकली और मेरे को ये कहा कि साहब 38 गांव ग्राम पंचायतों का ये गांव सरकार शहर की तरफ या गांव की तरफ वो कर रहे हैं और ये पट्टे लेने का काम कर रहे हैं, उसमें से 27 जो ग्राम पंचायतों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, 11 ग्राम पंचायत की ये रात रात में पट्टे दे रहे हैं, रात के 12 बजे और 3 बजे के बीच में क्या कर रहे थे, किसको दे रहे? अगर कोई छिपने की बात नहीं थी तो आराम से सुबह सुबह करते, परंतु रात रात में ये करने का काम मतलब यही है कि ये किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ मिल मिलके उन लोगों के हाथों को मजबूत कर रहे हैं जो भूमाफिया और बदमाश। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अब राजस्थान को 53 साल से आपने राज किया है, क्योंकि अगर मेरा 5 साल निकाल दीजिए और भैरव सिंह जी के 7 साल निकाल दीजिए तो 53 वर्ष हम लोगों ने सिर्फ इस कांग्रेस को दिया है। हम लोगों के हाथ में अगर ये बात होती और 53 साल भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती तो मैं कह रही हूँ आप लोग सबको कि ये चमन होता, राजस्थान, गुजरात होता, मध्य प्रदेश होता, राजस्थान की कोई कम नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ 15 साल आपने दिए गुजरात के मोदी जी को और 10 साल दिए आपने मध्य प्रदेश के शिवराज जी को और देख लीजिए उन्होंने किस तरीके से काया पलट करके अपने प्रदेशों को रखा। और राजस्थान को देख लीजिए, आज शर्म आती है राजस्थान का, हम लोग सब शर्माते हैं। और मैं बता रही हूँ अभी अपने बॉर्डर के कुछ गांव से मैं निकल रही, कौन सा गांव था मुझे याद नहीं है, पर जो गांव से मैं निकल रही थी तो उनका गांव 2 किलोमीटर की दूरी पे था गुजरात के बॉर्डर से। तो उन्होंने मेरे को ये कहा, अरे साहब हमारे यहाँ ये भी मुसीबत, ये भी मुसीबत, पर सबसे पहले हमारा ये रोड बना देना। रोड क्यों,
उन्होंने कहा सर हम जाते हैं गुजरात में, तो गुजरात में सब चकाचक है और हमारे रिश्तेदार वहां से यहाँ आते हैं तो बॉर्डर से उतर के सीधे राजस्थान के गड्ढे में पड़ते हैं, तो और कुछ नहीं तो हमारी इज्जत तो रह जाएगी, हमारा रोड तो ठीक कर दोगे तो इतनी तो हमारी इज्जत रह जाएगी, तो गाँव में बने वो जब आएंगे रिश्तेदार तो वो हमसे ये तो नहीं कहेंगे कि तुम्हारे राजस्थान में कौन आना चाहता है भैया। ये है स्थिति और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि फिर से राजस्थान को उसका स्वाभिमान लौटाने का काम आने वाली सरकार करेगी। इस सरकार ने पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया है, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम किया है और अब समय आ गया है कि इस सरकार को अपन हटाएंगे, एक अच्छा सुदृढ़ और खुशहाल राजस्थान अपन बनाएंगे, एक ऐसा सुंदर नया राजस्थान जिसको एक एक नहीं मैं कह रही हूँ आप लोगों को, जैसे गुजरात को ऊपर किया है, जैसे मध्य प्रदेश को ऊपर किया है, वैसे राजस्थान भी किसी से कम नहीं होगा, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इतना ही है कि इस पर मेहनत सबको करना पड़ेगा। अब क्योंकि चुनाव का टाइम आ गया है और कांग्रेस खाली लोगों के झगड़ों पर पनपती है, इस चीज को याद रखना, जाति जाति का झगड़ा, मजहब मजहब का झगड़ा, जब तक ये नहीं होता है तब तक कांग्रेस के वोट सुरक्षित नहीं है। इसे आप लोग सबको मैं कह रही हूँ कि ये 36 के 36 कौम और सब मजहब एक साथ जुड़ के चलेंगे तब ये काम हम कर सकेंगे, हम सब मिलके करेंगे तब ये काम हमारा होगा। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आज आप देख रहे हैं तो धीरे धीरे जगह जगह पे झगड़ा कराने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सब दूर में देख रही हूँ करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप लोग सबको ये कह रही हूँ कि कोई मतलब नहीं है, आप लोग सबको ये तय कर लेना है कि हम सब साथ, क्योंकि अगर आपका रोड है तो रोड आपका भी है, अगर आपका पानी है तो आपका भी पानी है, अगर आपकी बिजली है तो आपकी भी बिजली है, सबका काम है। और अगर सबका काम है तो जाति विशेष का नहीं है ना मजहब विशेष का है, ये पूरे राजस्थान का काम है और वो पूरे राजस्थान का काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, पर हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो आप तैयार हो करने के लिए, आप लोग तैयार हो? ऐसे नर्मदा है कि नहीं, आपने को कभी कभी अपने लिए लड़ना पड़ता है, लड़ने को तैयार हो? अगर हाँ हो तैयार तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को कह दो कि किसान भाई, महिलाएं, हमारे व्यवसायी, सब लोग ये तैयारी में है कि हम साथ मिलके नए राजस्थान को बनाएंगे, साथ मिलके नए राजस्थान को बनाएंगे। तो आओ साथ मिले और वो नए राजस्थान को बनाने का हम लोग साथ मिलकर काम करें। एक दफा और जोरदार नारा मेरे साथ देंगे आप लोग, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।